यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने इजाफी अखराजात कम करने के लिए सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स फारिग कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, बताइएगा उखाड़ पछाड़ का ये सिलसिला यहीं तक महदूद रहेगा या वसी किया जाएगा? देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम का ये कहना है कि डेली वेजर्स मुस्तकिल और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको बचाने के लिए जो इजाफी अखराजात है उनको कम करने का आगाज किया गया है और किसी भी जो डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट या जो परमानेंट मुलाजिम उसको फारिग नहीं किया जाएगा। इसलिए जो दीगर इकदाम है उनके जरिए अखराजात कम किए जाएंगे और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने अखराजात कम करने के लिए सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स को फारिग कर दिया है, जिनकी तादाद 500 से ज्यादा बनती है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने जो सिक्योरिटी कंपनी के साथ गार्ड्स की खिदमत लेने का मुआहदा किया था वो खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने स्वीपर लोडर्स पैकिंग लेबर्स भी खत्म करने का फैसला किया है और गार्ड्स लोडर्स पैकिंग लेबर्स का जो काम है वो डेली वेजेस मुलाजमीन से लिया जाएगा और इनको यहाँ पे खपाया जाएगा। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से ये दावा किया गया है कि इन इकदाम के नतीजे में करोड़ों रुपए के इजाफे अखराजात कम होंगे और इसके साथ जो बिजली गैस के बिल्स हैं उनको भी कम करने के लिए फैसला किया गया है कि उसकी बचत की जाएगी और जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी गार्ड थे वो हेड ऑफिस मुख्तलिफ स्टोर और वेयर हाउसेज में तैनात थे उनको फारिग किया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी अपडेट करने के लिए।